लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्थान द्वारा 22 अगस्त 2024 को शाम 7:30 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जानवी गवाला के अनुसार कैंडल मार्च का उद्देश्य बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत सरकार द्वारा कड़े से कड़े कदम उठाने की अपील के साथ कैंडल मार्च मार्टिन ब्रिज से लेकर राजा साइकिल चौराहे पर समापन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रेणु श्रीवास्तव, संगठन मंत्री भारती, प्रदेश अध्यक्ष रचना यादव, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जानवी गवाला, सहायक सचिव विजय लक्ष्मी, अशिता आसनानी, अनूप, डॉक्टर हिमनंदी चौहान, मनीषा कुमारी, जयदीपा, प्रीति राठौर, सुमित्रा सेन, आचार्य भार्गव, संपत्ति देवी, मोना सेन, दीपक जैन, गणपत किशोर हल्दानिया, राजेश वैष्णव, विजेंद्र भार्गव, अर्चना यादव आदि इस मौके पर सभी पदाधिकारी लगभग मौजूद रहे। ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। बहुत सारे हिंदुओं की वहाँ पर हत्या की गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। और महिलाओं को जो अभी आजकल अत्याचार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमने भारत सरकार से हमने बोला है कि आप इस पे कड़े डिसीजन लें, जिससे कि कदम उठाएं, जिससे कि जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा मिले और भारतीय नारी को सुरक्षा की भावना पैदा हो और जो नारियां जो डर रही हैं आजकल वो नहीं। हाँ हाँ, उनमें थोड़ा सा आत्मबल। हाँ, और उस घटना के कारण महिलाओं के अंदर जो अभी करने की भावना आ गई है तो उनके अंदर आत्मबल मिले और वो निडर होके अपना कार्य कर सकें। तो भारत की सरकार से मेरी ये कहना चाहूँगी, कुछ ऐसा कानून बनाए कि जिससे महिला रात में और कहीं भी आसानी से वो आ जा सके, और अगर इस तरह की कोई परेशानी उसके साथ में आती तो सरकार भारतीय महिलाओं का साथ दे, भारतीय महिला का, संसार की हर महिला का साथ दे, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो, जैसे कलकत्ता केस के अंदर हुआ तो ऐसा ना हो। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम बेबी श्रीवास्तव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भाई बहनों पर, और दूसरा कलकत्ता में जो त्रासदी हुई है हमारी महिला डॉक्टर के साथ में, हम चाहते हैं कि उनको एक संबल मिले, उनके परिवार को, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जितने बांग्लादेश में मारे गए हैं हिंदू लोग उनको भी शांति मिले। हम चाहते हैं कि ये एक सरकार हमारे जो है सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए सशक्त कानून बनाए, जिससे कि ऐसे वारदात होने से बचे, महिला डॉक्टर्स को या महिलाएं जहां भी कार्य करती हैं उनको सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। आपका शुभ नाम? निकालिए जी। नमस्कार। लाडोरानी लक्ष्मीबाई संस्था के द्वारा आज कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये आयोजन उन सभी बच्चियों के लिए किया गया जो अभी बाहर जाती हैं और जिनके साथ अभी ये कांड हुए हैं, बहुत ही गलत उनके साथ व्यवहार किया गया है। इन्हीं सभी को जागृत करने के लिए, इन्हीं सभी के अंदर हौसला लाने के लिए कि ये सारी चीज़ें कहीं हद तक गलत हैं, लेकिन हमें इन सबको मिटाना होगा, इसलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ मैं महिलाओं से, बच्चियों से भी एक इल्तिजा करना चाहूँगी कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएँ, कभी कोई आपका हाथ पकड़ता है तो आप अपनी नज़रें नीचे करने की जगह उसे इस तरीके से देखें कि वो आपसे डर जाए और चिल्लाने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से आप बची रहेंगे। अब मैं पेरेंट्स को भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को कहते हैं मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ब्यूटीफुल, प्यारी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और बच्चियाँ वही बनने की कोशिश करती हैं। बच्चियाँ आज मेकअप, फेस पे इतनी सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, सभी बच्चियाँ ये करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शब्दों का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार बच्चियाँ, बच्चियों को आप प्यारी गुड़िया इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से बच्चियों को कहो होनहार, मेरी इंटेलिजेंट गुड़िया, मेरी बहुत शानदार गुड़िया, जिस तरीके से बच्चे को बहादुर कहा जाता है उसी तरीके से बच्चे ट्रीट होते हैं और इसी तरीके से बनने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जानवी द्वारा, लक्ष्मीबाई सर।